हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो फ्रेंड, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वेज क्रंची मोमोज़ की रेसिपी। आई होप आपको बहुत ही पसंद आने वाली है, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहें और मैं एक खास टिप देने वाली हूँ, इससे मोमोज बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा, 2 कप और 1 ऑयल। गुनगुना पानी से डो तैयार कर लेंगे, बिल्कुल हार्ड होनी चाहिए डो। तो यहाँ पर हमने डो तैयार कर लिया और इसे गीले कपड़े से ढककर आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो इसके बाद हम इसका फिलिंग तैयार करेंगे। इसके लिए हमें चाहिए 2 कटोरी चाहिए इसमें पत्ता गोभी, बिल्कुल बारीक कटी हुई। 1 कटोरी हमने डाला है इसमें कैरेट, बिल्कुल बारीक कटा हुआ। 1 छोटी कटोरी इसमें हमने डाला कैप्सिकम, 1/2 नमक, 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर। इसे डालकर हम कुछ देर के लिए छोड़ देंगे ताकि ये पानी छोड़ दे। तो इसमें देखिए बहुत सारा पानी निकल आया है, तो इसे बाहर निकाल लेंगे इसे इस तरीके से। तो इसमें से देखिए बहुत अच्छी तरीके से पानी निकला है, इतना देखिए पानी निकला है इसमें से। तो इसमें डाल रहे थोड़ी सी हरी मिर्च, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं ज़्यादा या कम। थोड़ा सा गरम मसाला और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए फिलिंग हमारा बिल्कुल रेडी है। इसमें डालेंगे 1/2 मैदा और पानी डालकर इसे पतला घोल बना लेंगे। 1/2 गरम मसाला, 1/2 रेड चिली पाउडर, 1/2 नमक। चलिए इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और पतला घोल तैयार करेंगे। इसमें 1/2 जाएगा विनेगर और इसे मिक्स कर लेंगे और ये बिल्कुल रेडी है घोल। तो चलिए अब कोटिंग का थोड़ा प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लेक्स और इसे अपने हाथों से बिल्कुल क्रश कर सकते हैं या फिर आप ग्राइंडर में भी क्रश कर सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी है कोटिंग के लिए। तो यहाँ पे हमने डो तैयार कर लिया था, अब उसे छोटी छोटी लोई बना लेंगे। तो इसे थोड़ा मैदा में लपेट कर छोटी छोटी पूड़ियाँ तैयार कर लेंगे। चलिए इसका स्टफिंग कर लेते हैं और ये देखिए इस तरीके से। कढ़ाई को पहले ही चढ़ा लिया था गैस पे इसे गर्म होने के लिए और इसमें डाल रहे ऑयल। और चलिए इसे कोटिंग करते हैं। तो इसे जो हमने घोल तैयार किया था उसमें डिप कर लेंगे और उसके बाद ये देखिए अच्छी तरीके से कोट कर लें। तो ये देखिए फ्राई होने के लिए बिल्कुल रेडी है, अब इसे डीप फ्राई करें। यहाँ तेल गर्म हो चुका और इसमें हम डाल रहे हैं ये मोमोज। बिल्कुल धीमी आँच पे इसे धीरे धीरे पकाएँगे, बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे। तो ये देखिए बिल्कुल रेडी हो रहा है और देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है और ये बिल्कुल क्रिस्पी बना है। तो यहाँ हम
हमारा क्रंची मोमोज बिल्कुल रेडी है और इसे सर्व कर सकते हैं आप। और ये देखिए बिल्कुल रेडी है, बहुत ही अच्छा टेस्टी बना है। तो फ्रेंड मेरी रेसिपी अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।